अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। सारा बॉट अ डिनर सेट फॉर ₹480 एट 20% डिस्काउंट। सारा ने एक डिनर सेट 480 रुपये में ख़रीदा एट 20% डिस्काउंट। तो 20% डिस्काउंट पे उसने डिनर सेट ख़रीदा है जो कि 480 रुपये का है। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द डिनर सेट। तो हमने डिनर सेट की एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल प्राइस ऑफ अ डिनर सेट। ₹480, यानी कि उसने जो ख़रीदा है वो किसी ने बेचा है तो वो ख़रीदा गया ना, तो इसको सेल प्राइस लिखेंगे, सेल प्राइस ऑफ अ डिनर सेट। डिस्काउंट 20%। इसके बाद एक्चुअल प्राइस हमने फाइंड करनी है। लेट द एक्चुअल प्राइस इज ₹100, देन द सेल प्राइस विल बी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल प्राइस इज ₹100, देन द सेल प्राइस विल बी। सेल प्राइस क्या होगी अगर एक्चुअल प्राइस 100 रुपये हो। सेल प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 रुपये, और डिस्काउंट कितना है 20। तो कितना आएगा सेल प्राइस फिर, 80 रुपीज़। सेल प्राइस 80 आ गया। तो हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है, हमने लेट किया, एक्चुअल प्राइस क्या है 100, तो फिर क्या आई सेल प्राइस, क्या आई 80 रुपीज़, क्योंकि 20% डिस्काउंट है। तो हमने एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, ये वाली जो हमने लेट की है, और सेल प्राइस कितनी आई 80। इसके बाद हमने फाइंड करनी है एक्चुअल प्राइस, इसको एक्स क्या लेते हैं, तो सेल प्राइस क्या थी 480, 480। तो ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है 6.2, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। तो इसके लिखेंगे एक्स ओवर 100 इक्वल 480 डिवाइड बाय 80। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 480 से, 480 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80,
एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गई, 2 4 8, 2 5 10। इसके बाद 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, 0। 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 1 कैरी, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और 1 6, तो ये आ गया 600 रुपीज़ एक्चुअल प्राइस जो है। तो हम लिखेंगे हैंस द एक्चुअल, हैंस द एक्चुअल प्राइस ₹600। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन इज ₹200 एंड मार्क प्राइस इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन इज ₹200। तो एक जीन की कॉस्ट प्राइस है ₹200 एंड मार्क प्राइस इज 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो जो मार्क प्राइस है वो 50% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि ये 200 है तो 50% ज़्यादा क्या होगा 100। बट द शॉपकीपर सोल्ड इट एट 25% डिस्काउंट, लेकिन दुकानदार ने उसको 25% डिस्काउंट पे बेच दिया है। तो हमने पार्ट वन में फाइंड करना है, फाइंड द मार्क प्राइस। तो पार्ट टू में हमने फाइंड करना है डिस्काउंटेड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ जीन, ₹200। मार्क प्राइस फिफ्टी परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो डिस्काउंट प्राइस क्या है, डिस्काउंट 25%। मार्क प्राइस हमने फाइंड करनी है, इसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्काउंट प्राइस पार्ट टू में। सबसे पहले हम मार्क प्राइस देखते हैं क्या होती है। 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस है तो 50% ऑफ 200 आएगा ना, 200 कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस का 50% है ज़्यादा, तो 200 का हम 50% पहले फाइंड कर लेते हैं। 50% ऑफ 200, तो ये हमने 7.1 में सीखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। 50% ऑफ 200 क्या आएगा, इसको लिखेंगे 50% ऑफ 200 इक्वल 50/100 मल्टीप्लाई 200। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 आ गया और 50 आ गया, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो ये 100 रुपीज़ आ गया, ₹100। 200 का क्या आ गया फिर 100। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, मार्क प्राइस 50% है मोर देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस इज 50% मोर देन कॉस्ट प्राइस। सो मार्क प्राइस तो कॉस्ट प्राइस क्या है 200, तो 50% इसका क्या हुआ 100, तो 200 में 100 ऐड कर देंगे तो ये मार्क प्राइस आ जाएगी 200 प्लस 100, तो ये 300 आ गया, रुपीज़ 300 मार्क प्राइस है। तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने डिस्काउंट प्राइस फाइंड करनी है। लेट कर लेते हैं, मार्क प्राइस इज 100 रुपीज़ देन डिस्काउंट विल बी, लेट मार्क प्राइस इज 100 देन द डिस्काउंट विल बी, डिस्काउंट इक्वल आ गया मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस कितनी है, लेट हमने की 100 रुपीज़ और डिस्काउंट कितना दिया होगा 25%, तो इसको 25 लिख लेंगे, तो ये आ गया 75 डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्राइस हमने फाइंड करनी है, डिस्काउंट मार्क प्राइस डिस्काउंट कितना है 75, मार्क प्राइस कितनी है 100। तो हमने डिस्काउंट प्राइस फाइंड करनी है, तो टोटल जो हमने मार्क प्राइस दी हुई है, तो टोटल हमें मार्क प्राइस कितनी दी हुई है जो पार्ट वन में हमने फाइंड की है 300 रुपीज़, तो इसको लिख लेंगे 300। इसके बाद x ओवर 75 300 डिवाइड बाय 100, तो 75 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है 300 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 100, दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल होगी, 3 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75 मल्टीप्लाई 3, 3 फाइव ज़ार 15 वन कैरी, 3 सेवन ज़ार 21, 21 और 1 22, तो ये आ गया 225 रुपीज़ जो है डिस्काउंट प्राइस। डिस्काउंट प्राइस रुपीज़ 225। तो ये पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।